दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है चार जनपदों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्योन की नई अपडेट भी आ चुकी है। इसमें जो प्योन भर्ती की और यहाँ पे आप पिछले संविदा अपराधी भर्ती में जो इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है और यूपी ट्रिपल SC का अपडेट मैं आपको बताऊँगा। और आपने देखा होगा यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो होते हैं तो यहाँ पे जो है मेरिट बेस में सिलेक्शन होगा। पहले इंटरव्यू होता था, अब ये संविदा की नौकरी जो निकलती है तो यहाँ पे इसको समाप्त करके जो है केवल मेरिट बेस में सिलेक्शन इसमें वो करा जाएगा। जो आपका जो है भर्ती आई थी दो जिलों से उसकी आज है अंतिम तिथि, मतलब क्या 1 दिसंबर 2023 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। तो यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा और जालौन डिस्ट्रिक्ट से भी भर्ती इसमें आ चुकी है, माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जो भर्ती आ चुकी है 1 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपने देखा होगा ये जो है भर्ती आ चुकी है, तो ये वाला फॉर्म आप जरूर भरिएगा क्योंकि आज ये जो है 1 तारीख है और 1 दिसंबर को इसमें जो है आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। और आपने देखा होगा यहाँ पर जो है ये आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, पीलीभीत चार डिस्ट्रिक्ट से जो है भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। 7 दिसंबर इसमें 2023 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, मतलब आपका 1 तारीख हो गया है, 7 तारीख तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। 19,000 रुपये सैलरी इसमें मिलेगी आपको, फॉर्म भर दीजिएगा, अच्छा है ना, ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए और कुछ नहीं तो यार स्पेशल एजुकेशन आपको होना चाहिए, फॉर्म अच्छा है ये। ठीक है, जानकारी जो मिली है इसमें जो आपकी पुरानी क्लर्क भर्ती है आप देखिए यहाँ पर क्या है चयन बोर्ड में इसमें जो ब्यौरा भेज देगा कर्मचारियों का, जो जानकारी मिली है 15 दिसंबर तक सारे आपका अध्यक्ष महोदय जी और जो है कहने का मतलब के सदस्य वो चयनित हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपको इसमें जो है आपका जो है टाइपिंग टेस्ट इसमें जो आप क्लर्क भर्ती का और साथ में जो कहने मतलब इंटरव्यू समाप्त इसमें जो शुरू हो सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब कि जनवरी में नए साल पे जो है 15 जनवरी तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर इसमें मिल जाता है, क्योंकि जो जानकारी मुझे आयोग की तरफ से प्राप्त होती है अधिकारियों के द्वारा वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो भी देखते हैं क्या होता है और उससे पहले यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। UPSSC के छात्र इसमें क्यों चुड़े हुए हैं, इसमें जो कहने मतलब क्या यहाँ पर उनकी जो भर्ती थी वो अटकी हुई है, कहने मतलब कि UPSSC कंबाइंड टेक्निकल की जो भर्ती थी 2016 वाली और आपका जो है ASO का जो एग्जाम था वो आने उसका रिजल्ट आने वाला था तो वो सब भर्तियाँ अटकी पड़ी, इसलिए वो छात्र नाराज हैं। पर सुनने में ये आया है हो सकता है कि दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में आपका रिजल्ट इसमें 100% आ जाएगा। ठीक है, और 18 भर्तियाँ अटकी पड़ी, ASO का भी लिखा हुआ है नीचे देख लीजिए, यहाँ पर बताया है इसमें जो ASO आपको 2016 का और इसमें जो ASO 2026 पदों पर जो आई थी 18 भर्तियाँ अभी तक जो अटकी पड़ी हैं, तो इसलिए जो है UPSSC खबर यही है कि बहुत जल्द उसका जो है वो निस्तारण किया जाएगा। और यहाँ पर देखे थे कमेंट की और यहाँ पे जो है फरवरी मार्च में ही इसमें हो पाएगा, हो सकता है कि जो इलेक्शन के बाद ही, ऐसा नहीं है भाई इलेक्शन से पहले भर्ती करनी इन सबको जो है ये, क्योंकि उनको जो है जब रैलियाँ होंगी ना, आपने इलेक्शन में जब जो रैलियाँ होती हैं तब उसमें जी जितने भी पार्टियाँ होती हैं वो बताती हैं हमने इस डिपार्टमेंट में इतनी भर्तियाँ करी, इसलिए जो है हो सकता है कि बहुत जल्द इसमें अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखवा सर धन्यवाद, आपको भी आपको थैंक यू वेरी मच, 5 साल से वेट कर रहे हैं इंटर कॉलेज में आपको चपरासी भर्ती परमानेंट का, तो संविदा पर इसमें चल रही है वो वाली तो भर दीजिएगा और जो है परमानेंट भी आ जाएगी। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, और मैं शाम की अपडेट में आपको जो बिल्कुल प्रूफ के साथ अपडेट वो देता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस, थैंक यू वेरी मच।